हे फ्रेंड्स, आज मैं मिट्टी से एक बार्ड बना के दिखाऊंगा। तो गैस ये रही हमारी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मैं आज का जो बार्ड है वो बनाऊंगा, और ये रही हमारी मिट्टी जिस मिट्टी से आज का जो क्ले स्कल्पचिंग है वो मैं करूंगा। तो गैस ये बिल्कुल नेचुरल मिट्टी है, और गैस ये रही हमारा आज का क्ले इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम आज का जो क्ले स्कल्पचिंग है वो हम करेंगे। तो गैस चलिए हम हमारा आज का जो क्ले स्कल्पचिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम मिट्टी से एक बार्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैकाओ बार्ड होगा। तो देखिए मैंने पहले से एक स्ट्रक्चर बना लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से, और उसके ऊपर मैं अभी मिट्टी चढ़ा रहा हूँ। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया ये जो मिट्टी है ये नेचुरल मिट्टी है, लेकिन ये नेचुरल मिट्टी कैसा है, जो मिट्टी हमारे नेचर में मिलती है मतलब जिसको हम सॉयल बोलते हैं, ठीक है, ये वही मिट्टी है मतलब जो ज़मीन पे मिलती है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल मिट्टी है। और उसी मिट्टी को मैं एक क्ले स्कल्पचिंग के लिए रेडी कर लेता हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस मिट्टी को मैं कैसे रेडी करता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप भी आपको भी ये पता चल जाएगा कि कैसे जो नेचुरल क्ले है मतलब जो सॉयल है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्ले स्कल्पचिंग के लिए, ठीक है। और ये जो नेचुरल मिट्टी है इसको यूज़ करने में हमें एक दिक्कत आती है कि हमारा जो मॉडल है क्ले मॉडल वो जब सूख जाता है तब वो क्रैक हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक हल निकला है कि आपका जो वो क्रैक है आपका जो क्ले मॉडल का वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे क्रैक ठीक कर सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो गैस अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप ये जो मैंने बार्ड बना रहा हूँ ये मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप दिख रहे हैं जो क्ले इंस्ट्रूमेंट है क्ले स्कल्पचिंग के लिए, ये बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है क्ले स्कल्पचिंग के लिए। और अगर आप भी इस क्ले इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी अमेजोन से ये ख़रीद सकते हैं, मैंने भी अमेजोन से ख़रीदा है। इस क्ले इंस्ट्रूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। तो गैस अभी चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस बर्ड को बनाते हैं। अगर आप बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही क्ले बर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो गैस मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए कहीं मत जाइए। Thank you.
सो गाइज, यही थी हमारी आज की क्ले स्कल्पचिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।